मैं इस बाग के अब बिल्कुल बैक साइड पर आ चुका हूँ। मेरे पीछे आप ये यमुना रिवर देख सकते हैं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस टाइम मैं हूँ रामबाग में। इस जगह को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे रामबाग, आरामबाग या बागे गुलबशान। इसको बाबर ने सन 1528 ईस्वी में बनवाया था। ये जगह ताजमहल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो अनएक्सप्लोर्ड जगह है, बहुत कम लोग इस जगह पर आते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या ऐसा खास है। ये इस गार्डन का एंट्री गेट है, जहाँ से आप अंदर एंट्री करेंगे, और इसके राइट हैंड साइड पे ये टिकट काउंटर है। इस जगह का जो एंट्री टिकट है उसकी प्राइस है 20 रुपीज़। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी टिकट निकाल सकते हैं अपने पेटीएम या किसी भी यूपीआई। अंदर एंटर होते ही आपको ये लंबा सा एक रास्ता दिखाई देगा। इसके दोनों तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर ये गार्डन दोनों तरफ आपको दिखाई देंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, मुगलों के सभी गार्डनों में ये इस तरह के चार बाग शैली के गार्डन आपको हमेशा दिखाई देंगे। काफ़ी खूबसूरत और हरे भरे ये गार्डन है। ये मुगलों द्वारा बनाया गया सबसे पुराना गार्डन है। ऐसा कहा जाता है कि ये जगह बाबर ने अपने आराम के लिए बनवाई थी। सन 1530 में बाबर की जब मृत्यु हो गई थी, तो उनका जो शरीर है उसको कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रखा गया था, फिर जिसको बाद में काबुल शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पर उनका मकबरा मौजूद है। चारों ओर फैला हुआ ये एक बड़ा सा बाग एक नहर के माध्यम से चार भागों में बंटा हुआ है। यहाँ पर आपको कई सारे आड़े टेढ़े रास्ते और पानी के फुहारे देखने को मिल जाएंगे। बाग के अंदर पानी इन्हीं रास्तों से पीछे बनी यमुना नदी से आया करता था। इस जगह का सबसे पहला नाम आराम बाग था, लेकिन सन 1775 से 1803 के बीच में जब मराठाओं ने इस जगह पर कब्जा कर लिया, तब उन्होंने इस जगह का नाम बदलकर राम बाग कर दिया। इस टाइम मैं इसके बैक साइड में खड़ा हुआ हूँ। ये इसके बिल्कुल पीछे का एरिया है, इसके पीछे यमुना रिवर है। तो अभी चलते हैं इसके ऊपर और देखते हैं ऊपर से। अब मैं ऊपर मेन वाले फ्लोर पर आ चुका हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इस साइड में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और सेम बिल्कुल ऐसा ही एक स्ट्रक्चर इसका। इन कक्षों का निर्माण जहांगीर ने करवाया था, जो बाबर के पड़पोते थे। सन 1615 से लेकर सन 1619 के बीच में इस जगह का पुनर्निर्माण या रेनोवेशन कराया गया था। वैसे तो ज़्यादा बड़े नहीं हैं ये, लेकिन फिर भी आपको अंदर से दिखाते हैं ये अंदर से कैसे हैं। तो चलिए, दोनों कक्ष के बीच में आप ये एक बड़ा सा कंपाउंड देख रहे हैं। पीछे यमुना रिवर से पानी इस कंपाउंड में अंदर आया करता था, जिससे इन रास्तों के जरिए पानी पूरे गार्डन के अंदर फैल जाया करता था, और यहाँ के जो भी गार्डन हुआ करते थे वो हरे भरे हो जाया करते थे। यहाँ बीच में एक ये नीचे जाने का रास्ता है, जो फ़िलहाल अब बंद कर दिया गया है,
शायद उस टाइम पर यहाँ से नीचे की तरफ जाया जाता होगा। इसके पीछे यमुना रिवर है जिसकी वजह से ये नीचे काफ़ी ठंडा रहता होगा। राजा और उनका शाही परिवार इसी के अंदर गर्मियों में शरण लेकर रहते थे, जिससे नीचे अंदर काफ़ी ठंडा रहता था, तो गर्मियों में उनको नीचे अंदर काफ़ी राहत मिलती थी। यहाँ से पीछे नदी की तरफ बाहर निकला जाता होगा। चलते हैं इसके राइट साइड में और देखते हैं इधर क्या है। चलते हैं अब ऊपर की तरफ सीढ़ियों से। यहाँ ऊपर भी आप देख सकते हैं काफी ये कुआं। इस टाइम मैं इस बाग के सेंट्रल पॉइंट पर खड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। देखिए मेरे पीछे आप, चारों तरफ ग्रीनरी, चारों तरफ ग्रीन गार्डन है। भारत आने से पहले बाबर जब सकरगंद में था तो वहाँ उसने इस तरीके के गार्डन देखे थे, तब उसने डिसाइड किया था कि भारत आने के बाद यहाँ भी इसी तरीके के गार्डन बनाए जाएंगे। तो आपने देखे होंगे जितने भी मुग़ल काल के बनाए हुए गार्डन इंस्ट्रूमेंट हैं, गार्डन बनाए गए हैं या जो भी मॉन्यूमेंट उनके द्वारा बनाए गए हैं, उसमें गार्डन का काफ़ी उपयोग किया गया है। उनमें चारों तरफ हरे भरे गार्डन जरूर बनाए गए हैं। रामबाग घूमने के बाद अब मैं आ चुका हूँ बाहर की तरफ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अलविदा, जय हिंद।